21 अप्रैल 2020 साकार मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ आत्मा समझ रथ से कर्म करवाते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, उत्तम आत्माएं कौन है? देवताएं, क्योंकि वो पावन है, तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी? सारे यूनिवर्स बेहद माना कंप्लीट ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जो मालिक है, उसने आप बच्चों को शरण क्यों दी है? क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े से के डिब्बे से निकाल गुल गुल बनाते हैं, आसुरी गुण वालों को देवी गुणवान देवता बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं, खान पान बहुत शुद्ध साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है, अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, देही अभिमान में नहीं आना, देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, दातापन के की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक, कोई विघ्न हमारे रास्ते में आ ही नहीं सकता, समाधान स्वरूप भव। अब विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप बनने की विधि क्या है? विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। नंबर एक, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने, नहीं वो दें या ना दें, वो जो मर्जी दें, मुझे उनको रूहानी स्नेह देना है। स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी नहीं डूब सकती। ओम शांति।